ले लिया है और इसको बिना मसाले के साथ मैंने उबाल लिया है। ये मैंने रख दिया है, सिर्फ जैसे आप मैगी को घर में उबालते हैं उसको आप ऐसे बॉईल करके रख दें और इसको रूम टेम्परेचर में रख दें ठंडा होने के लिए। कोफ्ते के लिए जो मैं डालूंगी इसमें बाइंडिंग के लिए वो है, ये देखिए बेसन है, एक कप के बराबर कढ़ाई में इसको भून लूंगी। जब तक कि इसका सौंधी खुशबू नहीं आता तब तक आप इसको भून लीजिए। देखिए ये डन हो चुका है, इसमें से खुशबू आ रही है। कोफ्ते बनाने से पहले आप मैंने यहाँ जिसकी जो ग्रेवी है उसके लिए मैंने ये काट के रखा हुआ है। देखिए ये 5 बड़े बड़े प्याज मैंने काट के रखे हैं, यहाँ पर 2 टमाटर काट के रखा है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की अदरक, ये मेरा सब ये ऑयल में जाएगा। देखेंगे कि ट्रांसलूसेंट हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाएगा, तब इसको आप बंद कर दीजिएगा और इसके बाद ये मिक्सर में ठंडा होने के बाद पीस लीजिएगा। अभी जो मैं मैगी में डालूंगी कोफ्ते के लिए वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। वो है ये बारीक कटा हुआ ये प्याज है, पाव भाजी मसाला लिया हुआ है, चीज़ है, अदरक कद्दूकस करके मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये हरी धनिया है, ये काजू किशमिश है और यहाँ पर जो मैगी का मसाला जो था वो है। देखिए ये जो मैगी था, बेसन था और जितने भी मसाले थे मैंने सब डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से ये देखिए सान लेती हूँ। देखिए ये पूरा मैंने अच्छी तरीके से सान लिया है कोफ्ते का। अब करना क्या है, ये पानी का हाथ आप इसे ऐसे लगाइए, ये पाम रखिए ऐसे भिगोइए, ये जो आपने मसाला लिया हुआ है इसको ऐसे फैला दीजिएगा, जितना बड़ा करना चाहते हैं आप वैसे बड़ा कीजिए। अब ये जो ऐसा बन गया, अब जो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर ये था, मैंने बताया था कुछ चीज़ है, ये कुछ किशमिश है, काजू है और ये यहाँ पर हरी धनिया है, इसको आप अंदर ऐसे भर दीजिए, एक किशमिश भर दीजिए, थोड़ी सी हरी धनिया भर दीजिए और इसको अच्छी तरीके से गोला बना के, बॉल बना के ऐसे। देखिए ये कोफ्ते मैंने बना के यहाँ पर रख लिए हैं, अब मैं इसको वन बाई वन होकर फ्राई करूँगी। देखो ये मैंने कोफ्ते सब फ्राई करके निकाल लिए हैं, ये बॉल सखे हैं। अब इसी तेल में यहाँ पर मैं गरम मसाला डालूंगी, मैंने दालचीनी छोटी इलायची लिया हुआ है यहाँ पर मैंने डाला इसको, यहाँ पर तेज पत्ता ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब इसी टाइम में आप ये पाव भाजी मसाला और यहाँ पर रहा आपका लाल मिर्च पाउडर, आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी, इसको मैं पानी में घोल लूँगी, पानी डाल के इसको ऐसे घोल लेती हूँ क्योंकि अगर मैं मसाला इसमें डाल दूँगी तो ये जल जाएगा। डाल देती हूँ, फ्लेम हाई कर देती हूँ यहाँ पर, ये मसाला भुन गया है ना, जो मैंने पानी में घोल के पाव भाजी मसाला, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली थी। हाँ इसी टाइम आप ये जो देखिए मिक्सी में मैंने ये पीस के रखा हुआ है, जो कांदा था, टमाटर था, अदरक लहसुन था और ये सब चीज़ मैंने हल्का फ्राई करके पीस लिया था, वो इस टाइम आप इसमें डाल दीजिएगा। ये सब्जी का ये ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो मतलब समझ आइएगा ये आपका पक चुका है ये ग्रेवी। अभी इसी टाइम में आप मेरे पास ये घर में फ्रेश मलाई थी, इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप अमूल क्रीम भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये मैंने डाल दिया। आप क्या करना है, यहीं पर आप कस्तूरी मेथी है वो आप इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऐसे हाथ में लीजिए, ऐसे ऐसे करिए, इसमें खुशबू आ जाएगी। आप डाल दीजिए पूरा इसी टाइम और 1 मिनट के लिए आप इसको ढक दीजिए। ये पूरा रेडी है, अब इसी टाइम में जब मुझे सर्व करना है, अभी आप ये जो कोफ्ते की बॉल से ये डाल दीजिए ऐसे करके, इसको ज़्यादा देर तक रखिएगा नहीं। आप अगर आप गेस्ट के लिए सर्व कर रहे हैं तो बॉल्स कोफ्ते के बॉल्स फ्राई करके अलग रख दीजिएगा, सर्विंग करने के टाइम गर्म करके आप ऐसे आप दे सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें ही टूट जाएगा। देखिए ये पूरा रेडी हो गया है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। मेरा मैगी कोफ्ता रेडी है और आप इसको कुलचे के साथ, नान के साथ, लच्छा पराठा के साथ, इवन राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से अभी आप, मैं देखिए मैं ये पे घी डाल देती हूँ तो ये और लाजवाब बन जाएगा। आपको अगर अच्छा लगे ज़रूर इसको अपने फैमिली के साथ बना के खाइएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।